सोनीपत के रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बॉयलर फटने से 40 से ज्यादा कर्मचारी झुलसे, 10 कर्मचारियों को रोहतक पीजीआई में किया गया रेफर, डीसी ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा की सबसे बड़ी खबर से। हरियाणा के सोनीपत में आज एक बड़ा हादसा हो गया। सोनीपत के रबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ है। यहां बॉयलर फटने से 40 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो झुलस गए हैं। आपको बता दें कि 10 कर्मचारियों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही डीसी ने अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की है। तो सोनीपत की राई औद्योगिक क्षेत्र में बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और फिर अचानक से सिलेंडरों में भयंकर ब्लास्ट हो गया और बाद में फैक्ट्री में मौजूद बॉयलर फट गया, जिससे मौके पर काम कर रहे कर्मचारी वहीं फंस गए और कुछ जो फैक्ट्री के बाहर खड़े थे वो भी आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिनको सिविल हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया और बाद में प्रथम उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते 10 कर्मचारियों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। मौके पर दमकल विभाग कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आपको बता दें कि यह आग जो है ये दोपहर 4 बजे के करीब रबर की एक फैक्ट्री में लगी थी। डिप्टी कमिश्नर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से संबंधित मामले में एसडीएम लेवल के अधिकारी से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो सोनीपत की रबर फैक्ट्री में ये भीषण हादसा हो गया, जहां पर बॉयलर फटने से 40 से ज्यादा कर्मचारी इस आग में झुलस गए। जी हम यहाँ पे खड़े थे ऊपर, हमने वहां देखा धुआं धुआं हो रहा है, काला काला धुआं फेंक रहा था। ठीक है, फिर हम यहाँ से गए, वहां देखा आग लग रही है, तीनों सामान उठान लग रहे थे एकदम। फिर सर ने बोला हमको चलो साइड में, और फिर हम यहाँ साइड में आ गए, फिर एकदम पता नहीं सिलेंडर पटा क्या हुआ, एकदम आग आग का फुहारा था हमारा, एकदम ब्लास्ट हो गया। हाँ, फिर हम सारे बारे में गिर भी गया था, अरे जब आग का फुहारा, कुछ लोग जल गए। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में फैन बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और कई व्यक्ति झुलस गए। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ जो है वो यहां पर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और अब यहां पर दमकल विभाग के कर्मचारी जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। यहां पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है जी आपका? मेरा विनोद कुमार सर, फायर ऑफिसर। अच्छा विनोद कुमार जी, कैसे क्या हो गया था, क्या सूचना मिली थी? हमें मैसेज मिला था कि 329 नंबर फैक्ट्री में कोई सिलेंडर या कोई बॉयलर का ब्लास्ट हो गया है, जल्दी गाड़ी लेकर पहुंचे। सूचना मिलते हमारी गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची, ऐसे इंचार्ज तस्वीर लीडिंग फायरमैन भी हमारे मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखने में आया कि लगभग 10 के आसपास आदमी थे जो झुलसे हुए थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाकर उसमें डलवा के वहाँ भेज दिए। अभी जांच जारी है कि ब्लास्ट किस कारण हुआ था। बाकी ये उसकी हैंड बेल्ट की फैक्ट्री है, फैक्ट्री मालिक वगैरह या और कोई लेबर है जो जानकारी दे पाए। हमें इस तरह से इतना जरूर बताया है कि फैन बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि ऐसे 10 लोग बताए जा रहे हैं बुरी तरह से झुलस गए। यहां पर पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भिजवाया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहां पर फैन बेल्ट को बाहर निकाला गया है और यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई हैं। कई गाड़ियां मौके पर आई हैं। यहां पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, दमकल विभाग के कर्मचारी जो है आग पर काबू पाने की कोशिश में अभी तक जुटे हुए हैं। हादसा काफी दर्दनाक था क्योंकि कई कर्मचारी झुलस गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर लोगों को दूर हटाया जा रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि अभी भी यहां पर ब्लास्ट हो सकता है, लोगों को दूर किया जा रहा है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। देखिए अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो किसी फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फटने की रिपोर्ट है। कुछ लोग हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल रेफर हुए हैं, ट्यूलिप हॉस्पिटल में, फिम्स में है, तो अभी मेनली बर्न इंजरीज है। कुछ पेशेंट यहाँ से पीजीआईएमएस और खानपुर भी रेफर हुए हैं,
तो अभी जो प्राइमरी चीज है वो हम जो घायल है उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो और कोई भी ऐसा ना हो कि उनकी कोई जान की क्षति हो। इसके अलावा जो वहाँ पे इश्यूज हैं, किस वजह से बॉयलर फटा है, कैसे सारे कारण हुए, इसकी फिर हम जांच कराएं। सर कुंडली में अब की बार जो बॉयलर्स के इंस्पेक्टर हैं उनको भी लिखा जाएगा कि जहाँ भी ऐसे बॉयलर्स है जो काफी समय से चल रहे हैं, इन सब की इंस्पेक्शन की जाए और एक इनका ये किया जाए कि जो इन्होंने स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए और जो निर्धारित मानक है उनकी पूर्ण रूप से पालना की जाए। और क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ ही रहता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेके रखा जाए।